दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय एनी अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है तीन तरीके से, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन मीन्स बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI मीन्स इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, RX ये आपका अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आपका हाइड्रोक्सिल है, और ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, और ये आपका हैलाइड आयन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये टू स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। पहला स्टेप आप देखेंगे, पहला स्टेप आपका क्या है, आयनाइजेशन का, जिसमें अल्काइल हैलाइड क्या आयनाइज होता है कार्बोकैटायन में और आपका हैलाइड आयन में, और ये प्रोसेस कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप आपका क्या है, दूसरे स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पे और आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, और ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेप आपका आयनाइजेशन है, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। तो रेट डिटरमिंग जो स्टेप होगा आपका कौन सा होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप से आप क्या करेंगे, रेट को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर, ठीक है, जिसकी वजह से रेट जो है आपका न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं केवल आपके पास रिएक्टेंट क्या है, RX है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की आप सॉल्वोलिसिस करेंगे, सॉल्वोलिसिस मीन्स जब आपका सॉल्वेंट बिहेव करने लगे किसकी तरीके से, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अमोनिया, आप अमोनिया सॉल्वेंट लेंगे तो आपको क्या, आप इसको क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस बोलेंगे। जब एथेनॉल लेंगे तो एथेनोलिसिस बोलेंगे। जब आप वाटर लेंगे दिस इज कॉल्ड क्या, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब आयनाइजेशन के बाद देखिए यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, कार्बोकैटायन मिल रहा है। अब इस कार्बोकैटायन में देखिए ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये टॉप से भी अटैक कर सकता है और ये बॉटम से भी अटैक कर सकता है। क्लियर, जब ये टॉप से अटैक करेगा तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। आपको ये जानना जरूरी है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कि आपका प्रोडक्ट जो है, सॉरी, जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यदि आपका R है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, R होगा। क्लियर है, जब टॉप से अटैक करेगा या फ्रंट से अटैक करेगा, बैक या बॉटम से अटैक करने पर आपको मिलेगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन का मतलब क्या है, R आपका रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, S होगा, और RS के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है, ये आपको जानना जरूरी था। तो यहाँ पर जो है आपको क्या याद रखना है, इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन में क्या है, कार्बोकैटायन है, और आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो रेसमिक मिक्सचर मिलता है। रेसमिक मिक्सचर क्या है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, इन्वर्जन दोनों प्रोसेस होते हैं, और RS दोनों तरीके के आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे तो आप देखिए, पहला यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, टू स्टेप इन्वॉल्व में आप जानते हैं, फास्ट स्टेप और स्लो स्टेप। ठीक है, फिर आप देखिए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इट इज़ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट किस पर डिपेंड करेगा, केवल अल्काइल हैलाइड पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड आप डबल करेंगे तो रेट भी इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाफ करेंगे तो रेट भी कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल आप क्या कीजिए, बढ़ाइए या घटाइए, या कंसंट्रेशन आप कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, रेट पर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। पहला फैक्टर आपका है द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे कैसे जो है SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। आपको, आपने ये देख लिया कि जो रेट, जो आपका इंटरमीडिएट है वो आपका क्या है, कार्बोकैटायन है।
जो रेट जो डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। आपने अल्काइल हैलाइड ले लिया टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, अब आपको ये पता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या होगी टर्शियरी की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम सेकेंडरी के देन प्राइमरी की देन अल्काइल हैलाइड की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कार्बोकैटायन या इंटरमीडिएट कौन सा कैटायन के बारे में अच्छी नॉलेज है तो असाइनमेंट रिएक्शन के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कार्बोकैटायन से ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा स्लो देगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्शन देगा नहीं देगा, वो डिपेंड करेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है ट्राइफिनाइल अल्काइल हैलाइड, बाईफिनाइल और उसके बाद देखिए टर्शियरी, इन तीनों में जो है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ट्राइफिनाइल, क्योंकि इसके देखिएगा स्ट्रक्चर, आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइएगा 10 के करीब बनेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है बहुत ज़्यादा होती है, और डाईफिनाइल की क्या होगी उससे कम होगी, देन टर्शियरी की, देन आपकी बेंजाइल की, देन आपकी किसकी एलाइलिक की, ठीक है, उससे कम आपका किसका होगा सेकेंडरी का होगा, देन आपका किसका होगा प्राइमरी का होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुए। फिर उसके बाद बात करें अनसेचुरेटेड एट द अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कैसा है अनसेचुरेटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विनाइलिक ग्रुप, ये रिएक्शन नहीं देंगे, क्यों नहीं रिएक्शन देंगे उसके बारे में देखते हैं। देखिए डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैलोजन के दोनों के आपस में कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, जब ये डीलोकलाइज करेंगे, ठीक है, जब ये डीलोकलाइज करेंगे तो उस केसेस में आप देखेंगे CX के पास कौन सा डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड के केसेस में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, इसलिए ये रिमूव या लीव नहीं कर पाएगा, इसलिए असाइनमेंट रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें अनसेचुरेशन की एट बीटा कार्बन पे, बीटा कार्बन पे अनसेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, ये आपका बीटा कार्बन है, ये अल्फा, ये आपका एलाइलिक ग्रुप है, और एलाइलिक ग्रुप जो है अच्छी खासी असाइनमेंट रिएक्शन देता है, क्यों देता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप हैलोजन आयोनाइज कर दीजिए, देखिए पॉजिटिव चार्ज आए, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है इस डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, और आपको पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है क्या रिएक्टिविटी ऑफ असाइनमेंट रिएक्शन, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या कर रहा है स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी फेवर्ड होगी। फिर उसके बाद बेंजाइल की बात करें, बेंजाइल में भी ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयनाइज करेंगे और ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है इसके थ्रू क्या करेगा ये स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, इसलिए बेंजाइल में भी जो है रिएक्टिविटी क्या है फास्ट होती है किसकी असाइनमेंट की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए द प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम एट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर हेट्रो एटम जो है वो भी क्या करता है पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, कैसे देखिए यहाँ पर इसको आप आयनाइज कीजिए, आयनाइज करने के बाद देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मैंने एक ही बनाया है, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपका यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा तो असाइनमेंट रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की कोई बात नहीं करनी है क्योंकि उस पे जो है रेट डिपेंड नहीं करता, हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद करें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग जो SN1 रिएक्शन है उसमें प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है इन्हेंस होती है, क्यों इन्हेंस होती है क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है आपका कार्बोकैटायन और हैलाइड दोनों को क्या करता है ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबलाइज करता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा फास्ट होगा या रिएक्टिविटी फास्ट होगी, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग सबस्ट्रेट के बेस पे भी लेते हैं, यदि आपका सबस्ट्रेट कैसा है न्यूट्रल है तो उस केसेस में आप क्या करेंगे ग्रेटर पोलरिटी का सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी उस केसेस में फास्ट होगी। आपको याद रखना है कि अगर आपको रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आपको जो है असाइनमेंट रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जैसे जैसे आप पोलरिटी बढ़ाते जाएंगे आपका जो है रिएक्टिविटी असाइनमेंट रिएक्शन की बढ़ती जाएगी। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए एग्जांपल आपके वाटर हो गया, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ये आपके कैसे हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में हाइलाइट की रिएक्टिविटी के बारे में,
तो यहाँ पर देखिए आयोडाइड क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, उससे कम जो है ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, देन फ्लोराइड। फ्लोराइड लीस्ट क्यों है ये आपको पता है, पता होगा ठीक है, क्योंकि फ्लोराइड का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेंगे तो चारों तरफ जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसको क्या करेंगे, घेर लेंगे, जिसकी वजह से जो उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इस तरीके से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप के बारे में हम लोग SN2 में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर जो है इसके इम्पोर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि गुड लिविंग ग्रुप की तरीके से बिहेव करते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो वीक बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप की तरीके से बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर I- वीक बेस क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। आपको पता है HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो आपका क्या होगा, वीक बेस होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, अभी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है ट्राईफ्लोरो मीथेन सल्फोनिक एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज ट्रिपलेट, वो क्या है आपका वीक बेस है, इसलिए वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो है आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, रिस्मिक मिक्सचर होते हैं, रिजेंट के रूप में आप अल्काइल हैलाइड में H2O RCOH और ROH RSH यूज़ कर सकते हैं। एक नोट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, जो साइक्लिक आपके कंपाउंड होते हैं उनमें जो आपका कार्बोकैटायन है वो आपका SN1 रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी नहीं होती, आपको पता है प्लेनर स्ट्रक्चर ही SN1 रिएक्शन देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमने कंपेरिजन किया है, तो टर्चरी जो है अल्काइल हैलाइड जो है फास्ट रिएक्शन देगा, देन इससे क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इससे, और इसमें कुछ ना कुछ इसकी कंपेरिजन में ये प्लेनरिटी रहती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन देता है और ये नहीं देता, या ये कम देता है और ये बिल्कुल ही नहीं देता है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। फिर देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये करके देखिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड भी नहीं हो पाएगा।